मेंगन कार्यक्रम में आज हमने सब लइका लोग के स्वागत करत हैं जा जन मोरिस में हमने के देखा था जा जन दुनिया भर में देखा था आज हमने पों बौछे में है सब यहाँ पर ढेर भगवान बापू बौछे में लइका लोग के रूप में आवेरा भगवान तो आज के कार्यक्रम में हमने मिलब जा ई बैठका के बहन जी से बहन जी रंभा जी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी जी सकेला इतना लइका लोग के पढ़ाई पढ़ेला कोशिश करे के ना बहुत लेने ऐसी चाहिए ना ऊर्जा अच्छा चाहिए ना बहुत एनर्जी इलाका लोग के सिखाए के पढ़ाई के लिखाए के और आज के कार्यक्रम में हमने जन करब जा वो गहलोत राजपूत समाज के बोंजे के बेलवेदिया के समाज के ओर से और इलाका लोग के हिंदी कब से पढ़ावत हुआ एगो लगभग 10-15 बरिस हो गल जब से पॉटाम हिंदी करीला शनिवार के दिन बुना के सरकारी स्कूल में पढ़ाई ला और ओकर अलावा हमर दूसर काम हो सामदी के दिन अपन समय निकाली ला हमने के लइका लोग खातिर बहुत अच्छा तो आज हमने एगो प्रेजेंटेटर या एगो प्रेजेंटेट्रिस के चुनब सा जन कार्यक्रम प्रस्तुत करी हाथ उठाई के प्रेजेंटे करी ई और लकी लकी प्रेजेंटेटर बनबा कोशिश करब दे जा बने की अच्छा आज हमने के प्रेजेंटेटर लकी कौन लकी हा लकी राम दया तो लकी आज जितना कार्यक्रम बा सब तू ही प्रेजेंटे करिया ठीक ये तोहर बहिन हवन कौन नाम बा तोहर वेदिका राम दया वेदिका तू एगो डांस करबा उड़ी 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 गाओ थोड़ा सा जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए बहुत खूब तो आज लकी सब कार्यक्रम प्रेजेंटे करियन तो चला जा एगो प्रार्थना से आज के कार्यक्रम शुरू करब जा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा और अब लकी हम तेरा माइक दे अब तू एगो इंटरव्यू लेबा अश्विन से आपका कौन नाम है मेरा नाम अश्विन महेश है आप कहाँ रहते हैं मैं लामाची रहता हूँ मैंने देखा कि आपको गाने के बहुत शौक है ये सच है जी मुझे गाने का बहुत शौक है आप बचपन से सीखते आई हैं अपने पिताजी से या मैं आपका ये शौक कहाँ से उत्पन्न हुआ टेंशन भोजपुरी बतिया ला हाँ सका बचाए भोजपुरी में पूछा तोरा है माने जोश गीत गाय के कहाँ से आलबा हमरा के जोश आलबा हमारे पिताजी संगे वो हमरा के बोले हवन कि तू कहे बॉलीवुड गीत में नहीं बॉलीवुड गीत में गाय के दिलचस्पी काहे काहे हमरा के रखेगा तो
हम है बॉलीवुड गीत बा वो 2011 में शुरू करने लगे तो 2011 से लेकर अभी तक हम गीत खुशी गाय के खाली गीत गावेला या डायलॉग भी सुनावेला हाँ हम डायलॉग भी सीखे ना अच्छा फिल्म में डायलॉग ता एगो एगो फिल्मी डायलॉग सुनब जा अश्विन से याद बा कोनो एगो डायलॉग बोलता अरे हेलो अरे कोई मेरी आवाज सुना है हेलो पापा मैं सुन रहा हूँ हेलो 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 नमस्कार मैं हूँ देव कुमार मलिक नमस्कार मैं हूँ देव कुमार मलिक डी के मलिक गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत है इमरजेंसी सेवा में आपकी हेल्प किए मैं 24 घंटे तत्पर हूँ यहाँ अरे इमरजेंसी में किसका शो पर बिठा के रखा है यार अरे इमरजेंसी में किसका शो पर बैठा के रखा है यार कितना सुरोज है यार नहीं नहीं आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है अरे हाँ मैं प्राइवेट हवाई जहाज में है इसका पायलट बेहोश हो चुका है हम क्या करें अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है इसका पायलट बेहोश हो चुका है हम क्या करें अरे तो भाई प्लेन कौन उड़ा रहा है मैं उड़ा रहा हूँ बमन बमन हाँ तो बमन बमन मेरा नाम एक बार बमन है हाँ तो बमन बमन मेरा नाम एक बार बमन है हाँ तो ए बार बमन आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना अरे बस देखे क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए पर उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए तो क्या है कि इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए तो क्या है कि इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो 2084 किलो और 300 ग्राम का है वो 2084 किलो और 300 ग्राम का है इसका टेक्नोलॉजी दो प्रोपेलर और दो पायलट कंट्रोल वाला एक प्राइवेट प्लेन है दो इंजन दो फैन और पहिए तीन अरे नीचे कैसे उतरे उतरने के लिए दो द्वार पीछे और एक इमरजेंसी द्वार कॉकपिट में है और एक इमरजेंसी द्वार कॉकपिट में और कुल मिलाकर बात यह है कि यही है ए बकवास पक्का और नीचे कैसे उतरना हमें वो बता जल्दी बकवास बंद कर और नीचे कैसे उतरना वो बता जल्दी अरे भाई जल्दी का काम शैतान का होता है इंसानों को धैर्य रखना चाहिए अभी आप अपने एकदम ठीक सामने देखें अरे भाई जल्दी का काम शैतान का होता है इंसानों को धैर्य रखना चाहिए अभी आप अपने एकदम ठीक सामने देखें आपको क्या दिखाई दे रहा है मौत नहीं नहीं मौत से पहले आपके सामने एक बड़ा सा गोल व्हील है हाँ है है व्हील के साइड में एक रेड बटन है नहीं नहीं मौत से पहले आपके सामने बड़ा सा गोल व्हील है हाँ है है आ दबा दिया आगे बोलो नहीं दबाना था हाँ वो बटन दबाने से मेन इंजन बंद हो जाता है ठीक से सुनता नहीं यार व्हील के साइड में रेड बटन है आ, आ दबा लिया आगे बोलो नहीं दबाना था वो बटन दबाने से मेन इंजन बंद हो जाता है ना लाइक ठीक से सुनता नहीं यार अक्को मिला कर बांध दिया है कि आपका मेन इंजन बंद है और दूसरा इंजन चालू है अब कुल मिलाकर बात यह है कि आपका मेन इंजन बंद है और दूसरा इंजन चालू है थैंक गॉड दूसरा इंजन चालू है नहीं नहीं इंजन चालू है मतलब कंपनी का नहीं चालू क्वालिटी का है फिलहाल चालू है पता चल रहा है मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है अरे भाई हौसला रखिए धीरज रखिए और कम से कम शांति तो जरूर रखिए हमारे पास कुछ भी डरने का टाइम नहीं है ओके
अबे आप एक काम कीजिए, फ्यू मीटर पर इंडिकेशन दिखे। अरे भाई हौसला रखिए, धीरज रखिए, और कम से कम शांति तो जरूर रखिए। हमारे पास कुछ भी रखने का टाइम नहीं है। ओके, अभी आप एक काम कीजिए, फ्यूल मीटर पर इंडिकेशन देखिए। मतलब आपका फ्यूल भी खत्म होने वाला है क्या? अब हम क्या करें? अब आप मेरे साथ साथ दौड़ाइए। हे भगवान, हमसे जो भी पाप हुए हैं, हे भगवान। मतलब आपका फ्यूल भी खत्म होने वाला है क्या? अब हम क्या करें? अब आप मेरे साथ साथ दोहराइए। क्या? हे भगवान, हमसे जो भी पाप हुए हैं, हे भगवान, हमसे जो पाप हुए हैं, उन्हें माफ करना। उन्हें माफ कर दो। हम तेरी शरण में आ रहे हैं। हम तुम्हारी शरण। चुप, हम मानना नहीं चाहते, हम मानना नहीं चाहते। हमसे जो पाप हुए हैं उन्हें माफ करना, उन्हें माफ करना। हम तेरी शरण में आ रहे हैं, हम तुम्हारी शरण। चुप, हम मानना नहीं चाहते, हम मानना नहीं चाहते। ओके, अब हमने तो हर बार से बचाव से थोड़ा तो आप आयुष, आप गाना पसंद करते हैं गाने के लिए? हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद है। आप शादी वगैरह में गाते हैं? हाँ। ये सब गाना बजाना आपने अपने पापा जी से सीखा है? जी हाँ, अपने पिताजी से सीखा है। तो तुर बाप और तुर भाई और तू सब मिल के गावे लसे घरे काची के सब? जी हाँ। और ही घर में पढ़ाई भी करते हैं? कभी कभी मैं करता हूँ। और कॉलेज जाते हो ना? हाँ। कहाँ के? काची मीठा के SI। मैं भी वहीं पढ़ता हूँ। तो थोड़ा सुन बजाएंगे हम निकातिर? जानते बॉलीवुड सॉन्ग पर कोनो बर एगो थोड़ा सुन गिटार। कभी कभी मैं छूट जाता हूँ। तो हैजा दिखब सजा कि यहाँ पर चार गो छोकरी बा जो ने एगो रंभाजी की गाय गीत पर नचन सता। तो चल सा ओकर नाम पूछ सा। शनाया, शनाया माता बदल, घनीशा लीलादो, आशिका सौदागो, चेतना रामलगन। तो चली साजा दिख जा। सभी मित्र और माँ बहन जी लोग के एक आज एगो गीत जाते हैं बोले। जिंदगी की यही रीत है,
हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो हमने के साथ है जा अभी दो मित्र बा, केशव और मांत्रेस। तो वो लोग एक दो बॉलीवुड गाना पेश करते हैं जब इस गाँव के, तो चला सा सुना जा। तो केशव कहाँ रहे ले? हम बेलविद्या में हैं जा। और हम बुनाके में हैं जा। तो आप कौन क्लास में हैं दोनों? मैं ग्रेड सेवन में हूँ। मैं भी ग्रेड सेवन में हूँ। तो कौन कॉलेज? मॉडर्न कॉलेज। मॉडर्न कॉलेज। आप दोनों एक ही कक्षा में हैं या? नहीं नहीं, मैं ब्लू में हूँ। मैं वाइट। तो आप हिंदी कुछ रंजा करेंगे? हाँ हाँ। तो अब गाना बजाना सब पसंद है आपको? हाँ बहुत पसंद है। हाँ तो गीत वा पेश करें चाचा। थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास, कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं, अपनी खुशी देके मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं, मिला जो तू यहां मुझे दिलाऊं मैं, यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं, थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास, कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं, हूँ बेसहारा तेरे बिना मैं, तू जो ना हो तो मैं भी नहीं, देखूं तुझे यारा जितनी दफा मैं, तुझ पे है आता मुझको यकीन, सबसे मैं जुदा होके अभी तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं, मिला जो तू यहां मुझे दिलाऊं मैं, यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूं मैं, थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास, कहीं रह जाऊं मैं। मल्लुल विशा। मल्लुल यशना। भला किसी का ना कर सके तो, भला किसी का ना कर सके तो, बुरा किसी का मत करना, खुशबू नहीं बन सके तो, खुशबू नहीं बन सकते तो, कांटे बन कर मत रहना, बन न सके भगवान अगर तो, बन न सके भगवान अगर तो, कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो,
सत्य वचन ना बोल सके तो, सत्य वचन ना बोल सके तो झूठ कभी मत बोलो। दूर रहो तो भी अच्छा, दूर रहो तो भी अच्छा, कम से कम मुंह ना खोलो, कम से कम मुंह ना खोलो, कम से कम मुंह ना खोलो। धन्यवाद। अभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। ख्वाब चुन रहे हैं रात बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। अच्छा लकी, तुम मुझे बताओ तुम क्या करते हो? मैं ज़्यादातर पढ़ता हूँ, गीत भी गाता हूँ और भी तरह तरह की एक्टिविटीज़ करता हूँ, गेम्स भी करता हूँ गेम्स। और तुम्हारा हॉबी? हॉबी वैसे मुझे पबजी नाम एक गेम खेलना पसंद है, तो मैं भी खेलता हूँ। पों बौचे के बेलवेदेय के लैका लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवत हैं जा, खासकर बहन जी रंभा के बहुत धन्यवाद लैका लोग के तैयार करला, और आशा करत है जा कि तो लोग ऐसने पढ़बा जा लिखबा जा और बहन जी के बात सुनबा जा, हाँ कि नहीं? हाँ। निमन लैका लोग बा। तो हमने के चंगन मंगन कार्यक्रम समाप्त होता, सब कोई के धन्यवाद, बाय बाय।